स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज का वीडियो है भिन्न संख्याओं का विभाजन, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन नंबर का आज सीखेंगे कि उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो डिवाइडेशन का जो रूल है हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और लेते हैं कोई भी नंबर जो कि आपका डिवाइडेशन पर है। ठीक है, मैंने लिया 15/17 डिवाइडेड 15/17। ठीक है, तो हमारा अभी फर्स्ट जो हमने इक्वेशन लिया है उसमें आपका नीचे वाली संख्या जिसे हम हर कहते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका डिविजिबल यानी कि डिवाइड वाला जो रूल्स है, यानी कि विभाजन का जो रूल्स है उसको किस तरह से हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 15/17। जब भी यहाँ पर डिवाइड होता है तो आप इसको इस तरह से सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, 15/17। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ईजिली इतना बड़ा ना लिख के हम इसको इस तरह से करते हैं कि जो डिवाइड का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके मल्टीप्लाई के साइन में, और जो आपका नीचे वाला नंबर होता है वो आ जाता है ऊपर और ऊपर का चला जाता है नीचे। ठीक है, मतलब अप एंड डाउन चेंज हो जाता है आपके नंबरों में। ओके, ये बस आपको याद रखना है, ये इतना बस आपने कर लिया तो आपका जो सवाल है यानी कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, टोटली सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इजीली इसको आप इनटू ना करके आप देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 15, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, और ये 17 इस 17 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखिए 15/17 अपॉन नीचे आपका 17/15। ठीक है, तो ये वैसे ही रूल के अकॉर्डिंग कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 1। ओके, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला इक्वेशन। तो अगला जो इक्वेशन हम लेने वाले हैं इसी से मिलता जुलता, ठीक है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है वही हम लेते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया आपको 2/5। ओके, तो क्या करेंगे आप, इसको अपॉन के अपॉन ना लिख के आपका जो रूल है वो फॉलो करना है आपको, इनटू जो 5 है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल्स होते हैं मैथ्स में। ठीक है, ये 5 है, 5 से कट जाएगा तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/2, ये होगा आपका आंसर। चलिए और देख लेते हैं कुछ इक्वेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि डिवाइड जो आपका फ्रैक्शन डिवाइड है वो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, 3/7 डिवाइड 3/4। ओके, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 3/7 मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड की जगह, और जो आपका ये नीचे वाला नंबर यानी कि जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि अप एंड जो 3 वो आ जाएगा डाउन। ओके, अब देखिए जो आपका इनटू का जो रूल्स होता है उसमें अगर एक जैसे नंबर हो ऊपर या नीचे यानी कि अप एंड डाउन इक्वली नंबर हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 4/7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कई सवाल कर सकते हैं। वन मोर, ओके, तो लेते हैं हम एनी अदर नंबर 8/6 डिवाइड 4/2। अब इसमें सारे नंबर डिफरेंस ही मैंने लिए हैं, ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो आपको बस रूल्स फॉलो करना है। 8/6 डिवाइड इनटू में चेंज हो जाएगा, और जो अप नंबर होगा वो डाउन हो जाएगा, और जो डाउन नंबर है वो अप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/4। अब आप इसको इजी और छोटा कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 1 2 2 4 8। ठीक है,
अब इसको आप और इजी वे में अगर करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2/3। ठीक है, तो बहुत ही इजी स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं फ्रैक्शन के बारे में, और ये आपका 6th पार्ट होगा। ठीक है, तो जो कि इम्पॉर्टेंट थे, यानी कि आप ये कहिए कि भिन्न या फ्रैक्शन के अंदर जितने रूल्स होते हैं प्लस माइनस इनटू अ डिवाइड, उसको लेकर के मैंने सारे वीडियो अपलोड करिए, और ये मेरा डिवाइड का वीडियो था। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।